बस हम थोड़ी देर शांत बैठेंगे और अपने आप को समेटने की कोशिश करेंगे और फिर हम अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अपनी आती और जाती हुई सांसों को देखना और हम ऐसा जितनी बार करते हैं उतनी बार अपने करीब आते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। जितनी बार हम सांसों की डोर को पकड़ने की कोशिश करते हैं उतनी बार हमारे मन का घोड़ा हमारे नियंत्रण में आता है, वरना ये बेलगाम भागता रहता है। हमें पता ही नहीं होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा मन कहाँ जा रहा है। लेकिन जिस क्षण हम अपनी आती और जाती हुई सांसों का अवलोकन करते हैं, मन के घोड़े पर लगाम लगाने की कोशिश करते हैं, न केवल इतना, सांसें हमारा जीवन है। हम जब सांसों को देखते हैं तो अपने जीवन को देखते हैं। सांस नहीं तो जीवन नहीं। अपनी सांसों को देखना और अपने चेहरे पर स्वाभाविक सी, नेचुरल सी स्माइल लाने की कोशिश करना। बस ऐसे ही मुस्कुराना। जैसे हम भगवान बुद्ध की प्रतिमा में और चित्रों में उनको मुस्कुराते हुए देखते हैं, बस उस मुस्कुराहट को कॉपी करने की कोशिश करना। न केवल मुस्कुराहट, हमें अपने अंदर वो सारी चीजें कॉपी करनी है बुद्धानुसति के द्वारा, जो बुद्ध में है, जो बुद्धत्व में है। बुद्धत्व अनंत मैत्री का नाम है, अनंत करुणा का नाम है, अविचल शांति का नाम है, द्वेष शून्यता का नाम है, मोह शून्यता का नाम है। हम बस उन तरंगों को अपने अंदर स्थापित करने की कोशिश करें। सब हाथ जोड़ेंगे। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि,
द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि, प्राणातिपातावीरमणि सिक्खापदं समादियामि, आदिन्नदानावीरमणि सिक्खापदं समादियामि, कामेषु मिच्छाचारावीरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसावादावीरमणि सिक्खापदं समादयामि, सूरामीरे मज्ज पमादठानावीरमणि सिक्खापदं समादयामि, साधु साधु साधु। मैत्रीपूर्ण कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति, सादगी तथा संतुष्टि का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। सत्यता पूर्ण व्यवहार से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। स्मृति सुस्पष्ट एवं प्रदीप्त रखकर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। आज के हमारे जो परित्य सूक्त हैं, तो मोर परित्य है, चंद्र परित्य है, सूर्य परित्य है और ध्वज सूक्त है। हम इन सूक्तों का पाठ करेंगे और फिर इनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब दुखो विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं। विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब भयो विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं। विपत्ति पटिवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सब रोगो विनाशाय परितं ब्रूथ मंगलं। समंता चक्वारेषु अत्रा गच्छन्तु देवता, सद्धम्मं मुनिराजस्सु सुणन्तु सग्गमोक्षदम्। धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता, धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता, परित्त धम्म श्रवण कालो अयं भदन्ता। ये संता संत चित्ता तिशरण शरणायत लोकंतरे वा, भुम्मा भुम्मा च देवा गुण गण दहना व्यापटा सब कालं।
एते आयन्तु देवा मुनिवरवचनं सोतिमग्गं समग्गा एते आयन्तु देवा वरकनकमे मेरुराजे समन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं सोतमकं समका। मोर परित उदेतयं चक्खुमा एक राजा हरिश्रवर्णे पठ विप्रभासो तं तं नमस्सामि हरिश्रवर्णं पठ विप्रभासं तयज्जगुत्ता विहरे दिवसं। ये ब्राह्मणा वेदगु सब धम्मे ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमत्थु बुद्धानं नमत्थु बोधिया नमो विमुक्तानं नमो विमुक्तिया। इमं सो परितं कत्वा मोरो चरति एषना अपेतयं चक्खुमा एक राजा हरिश्रवर्णो पठ विप्रभासो तं तं नमस्सामि हरिश्रवर्णं पठ विप्रभासं तयज्जगुत्ता विहरे मुरत्तिं। ये ब्राह्मणा वेदगु सब्बधम्मे ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमस्तु बुधानं नमो मत्तु बोधिया नमो विमुतानं नमो विमुक्तिया। इमं सो परित्तं कत्वा मोरो वासं कप्पयीति चंद परित्तं एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावित्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डकस्य आरामे तेन कोपनसमयेन चन्दिमा देवपुत्रो राहुना असुरिन्देन गहितो होति। अथको चन्दिमा देवपुत्रो भगवन्तं अनुसरमानो तायं विलायं अभासी। नमो ते बुद्ध वीरथु विपमुत्तोसि सबधी संवाद पटिन्नो पटिपन्नो स्मितस्य मे शरणं भवाति। अथको भगवा चन्दिमं देवपुत्तं आरभ राहुं असुरिन्दं गाथाय भासी। तथागतं अरहन्तं चन्दिमा शरणं गतो राहु चन्दं पमुञ्चस्सु बुद्धा लोकानुकम्पकाति। अथखो राहु असुरिन्दो चन्दिमं देवपुत्तं मुञ्चित्वा तर्मानरूपो येन वैपचित्ति असुरिन्दो उपसंकमित्वा संविग्गोलो महट्ठयातो एकमन्तं अट्ठासी। एकमन्तं कृतं खो राहुं असुरिन्दं वैपचित्ति असुरिन्दो गाथाय अच्छभासी। किन्नु संतिर्मानो राहु चंदं पमुंचसी संविग्गरूपो आगम किन्नु भीतो वतिठसीति। सत्तधा मे फले मुद्धा जीवन्तो ना सुखं लभे बुद्ध गाथा विगीतो मे नोचे मुंचे यचंदिमंती। सूर्य परितं एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावित्थियं विहरति
जेतवने अनाथ पिंड कस्यारामी तेन खोपन समयेन सूर्यो देवपुत्रो राहुना असुरिंदेन गहितो होति। अथ को सूर्यो देवपुत्रो भगवन्तं अनुसरमानो तायं वेलायं इमं गाथा आभासी। नमोति बुद्ध वीरथु विप्रमुत्तोऽसि सबधी संवाद पटिपन्नोऽस्मि तस्य मे शरणं भवति। अथ को भगवासुरियं देवपुत्रं आरभ राहुं असुरिंदं गाथा हि अज्भासी। तथा गतं अर्हन्तं सूर्यो शरणं गतो राहु सूर्यं पमुञ्चस्सु बुद्धा लोकानुकंप काति। यो अंधकारे तमसी पभंकरो वेरोचनो मंडली उग्गतेजो मा राहु गिली चरंगंत लिखे पजंगमं राहु पमंच सूर्यंती। अथ खो राहु असुरिंदो सूर्यं देवपुत्रं मुञ्चित्वा धर्मानुरूपो येन वैपचित्ति असुरिंदो तेनोपसंगमी। उपसंगमित्वा संविग्गो लोमहट्ठजातो एकमंतंगठासी। एकमंतं ठितं खो राहु असुरिंदं वेपचित्ति असुरिंदो गाथाय अज्भासी। किन्नु संतर्मानो वराहु सूर्यं पमुंचसी संविग्रूपो आगम किन्नु भीतो वतिठसीति। सत्तधा मे फले मुद्धा जीवन्तो न सुखं लभे बुद्ध गाथा विगीतो मी नोचे मुंचये सूर्यंती। धजग परितं एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावित्थियं विहरति जेतवने अनाथ पिंड कस्यारामे। तत्र खो भगवा भिक्खु आमन्तेसी भिक्खवोति भनन्तेति ते भिक्खु भगवतो पच्चसोऽसुं भगवा एतदवोच। भूतपुब्बं भिक्खवे देवासुरसंगामो समूपब्लुल्हो असो अहोसी। अथ खो भिक्खवे सक्को देवानमिन्दो देवी तावतिंसे आमन्तेसी। सचे मारिसा देवानं संगामगतानंगुपज्जीय भयं वा छम्बितत्तं वा लोमहंसं वा ममेव तस्मिं समेयधजग्गं उल्लोकेयाथ। मम हि वो धजग्गं उल्लोकयतं भविष्यतिं भयं वा छम्बितत्तं वलोमहंसो वलो महंसो वा पहीसति। नो चे मे धजग्गं उल्लोकेयाथ। अथ प्रजापतिस्य देवराजस्य धजग्गं उल्लोकेयाथ। प्रजापतिस्य हि वो देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा छब्बितत्तं वा लो महंसो वा सोपहीयसति। नो चे प्रजापतिस्य देवराजस्य धजग्गं उल्लोकेयाथ। अथ वरुणस्य देवराजस्य धजग्गं उल्लोकेयाथ। वरुणस्य हीव देवराजस्य धजग्गं उल्लोकयतं यं भविष्यति
भयंग्वा छब्बितत्तंग्वा लो हंसोवा सोपहीयस्यति नोचे वरुणस्य देवराजस्य ध्वजग्ं उल्लोकेयाथ अथ ईशानस्य देवराजस्य ध्वजग्ं उल्लोकेयाथ। ईशानस्य हि वो देवराजस्य ध्वजग्ं उल्लोकयतंग्यं भविष्यति भयंग्वा छब्बितत्तंग्वा लो महंसोवा सती। तंखोपन भिक्खवे सक्कस्य वा देवा नमिन्दस्य ध्वजग्ंगुल्लोकयतं प्रजापतिस्य वदेवराजस्य ध्वजग्ंगुल्लोकयतं वरुणस्य वदेवराजस्य ध्वजग्ंगुल्लोकयतं ईशानस्य वदेवराजस्य ध्वजग्ंगुल्लोकयतं यं भविष्यति भयंग्वा छब्बितत्तं वालो महंसो वा पहीयेथापि नोपि पहीयेथ तं किस्त हेतु सको भिक्खवे देवानमिन्दो अवीतरागो अवीतदोषो अवीतमोहो भीरुच्छम्भी उत्त्रासि पलायीति। अहं चखो भिक्खवे वदामि सचेतुं माकं भिक्खवे अरण्यगतानं वारुक्मूलगतानं वसुन्यागारगतानं वौपज्येयभयं वच्छब्दितत्तं वलोमहंसो वममेव तस्मिन् समये अनुसरेयाथ। इति पीसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विचाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिस दम्म सारथि सत्था देव मनुसानं बुद्धो भगवती। मम हिंगो भिक्खवे अनुसर्तं यं भविष्यति भयं वचं वितत्तं वालो महंसो वसोपहीयस्यति नोचे मंगनुसरेयाथ अथ धम्मंगनुसरेयाथ। स्वाखातो भगवता धम्मो संदिट्ठिको अकालिको एहि पश्यको ओपनायिको पच्यतं वेदितब्बो योहीति। धम्मं हि वो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वाचं वितत्तं वलो महंसो वासोपहीयस्यति नो चे धम्मं अनुसरेयाथ अथ संघंगनुसरेयाथ। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अट्ठपुरुषपुग्गला एष भगवतो सावकसंघो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाथी। संघं हि वो भिक्खवे अनुसृतं यं भविष्यति भयं वा छब्बितत्तं वलो महंसो वा वासोपहीयस्यति तं किस हेतु। तथागतो भिक्खवे अरहं सम्मा संबुद्धो वीतरागो वीतदोषो वीतमोहो अभीरुवच्छम्बि अनुत्रासि अपलायीति। इदमवोच भगवा इदं वक्त्वा सुगतो
सत्था अरहिये रुख मूले वसुन्यगारे भिक्खवो अनुसरेत संबुद्धं भयं तुम्हाकं नोसिया नो चे बुद्धं सरेयाथ लोकजेठं नरासभं सुदेशितं नो चेधम्मं सरेयाथ नियानिकं सुदेशितं अथ संघं सरेयाथ पुण्यखेतं अनुत्तरं एवं बुद्धं सरन्तानं धम्मं संघं च भिक्खवे भयं वा चम्वितत्तं वा लोमहंसो नहे सतीति एतेन सच्चवज्जेन सब्बदुःखो सब्बभयो सब्बरोगो विनश्यति एतेन सच्चवज्जेन सुवत्थिते भूतु सर्वदा एतेन सच्चवज्जेन भूतु ते जय मंगलं भूतु ते जय मंगलं भूतु ते जय मंगलं। तो आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और अभी हम इन सूत्रों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और इस बातचीत के क्रम में सभी लोगों से अनुरोध ये करेंगे कि जिस किसी के मन में कोई जिज्ञासा आ रही है, आती है बातचीत में, हम सर्वज्ञ नहीं है कि आपके हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है। जो भी उत्तर दिए जा सकेंगे प्रयास किया जाएगा, लेकिन अपने प्रश्नों को ऐसे आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिख के रखिए और समय की सीमा के अंदर प्रयास किया जाएगा जितनी भी जिज्ञासाओं का समाधान हो पाए। अभी हम इन सूत्रों के ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। और सूत्रों का क्या है कि मुख्य बात तो क्या, इनका अनुवाद पढ़ना कोई हमारा ध्येय नहीं है कि हम इनका अनुवाद आपको पढ़ के सुनाएं। मुख्य है कि इन सूत्रों का हमें उपयोग कैसे करना है, जिसके ऊपर ये श्रृंखला चल रही है। ये जो चार सूत्रों का कुलक है आज, मोर परित, चंद्र परित, सूर्य परित और धजग परित, भगवान ने जो 37 बोधि पक्षीय धम्म बताए हैं, 37 बोधि पक्षीय धम्म में भगवान ने ऐसे पांच इंद्रियां बताई हैं। जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमारी कर्मेंद्रियां होती हैं, ऐसे भगवान ने पांच धर्मेंद्रियां बताई हैं। वो पांचों धर्मेंद्रियों सुनने जैसा है कि जैसे हम एक अपने कुशल सांसारिक जीवन को जीने के लिए हमारी सारी की सारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां स्वस्थ होनी चाहिए, ऐसे ही धार्मिक जीवन जीने के लिए भगवान ने पांच धर्मेंद्रियां बताई हैं। और कैसे उनको हमें अपने धार्मिक जीवन का अंग बनाना है। 37 बोधि पक्षी धर्म के हम सारे के सारे अंगों पर बात नहीं कर रहे, सिर्फ संक्षेप में पांच अंगों की बात कर रहे हैं, पांच इंद्रियों की, पांच धर्म इंद्रियों की। तो भगवान ने जो पहली इंद्रिय बताई है वो श्रद्धा, श्रद्धा को भगवान ने पहली इंद्रिय बताई। दूसरी इंद्रिय बताई है प्रज्ञा। तीसरी इंद्रिय बताई है वीर्य। चौथी इंद्रिय बताई है समाधि। और पांचवी इंद्रिय बताई है सती अथवा स्मृति। ये पांच धर्मेंद्रियां हमारे धार्मिक जीवन का अंग है।
जैसे कोई व्यक्ति आप देखेंगे कि बड़ा अच्छा प्यारा गाना गाता है, उसका कंठ बड़ा अच्छा है, लेकिन उसकी आंखें नहीं है, तो हम क्या कहते हैं कि उसकी आवाज तो बड़ी अच्छी है लेकिन फिर भी उसकी आंखें नहीं है, वो विकलांग व्यक्ति है। हम उसको स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते, उसका कोई एक अंग है जो कि भी काम नहीं कर रहा है। हम ऐसे उदाहरण और भी ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, बहुत अच्छा चित्रकार है, चित्र बड़ी अच्छी बना लेता है, लेकिन वो उसे बोल नहीं पाता है, गूंगा है, उसके अंदर एक प्रतिभा है लेकिन गूंगा है, तो हम ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ नहीं कह सकते। ऐसे ही धार्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में भी श्रद्धा, प्रज्ञा, वीर, समाधि और स्मृति, इन पांचों का यदि सम्यक सम्यक स्वस्थ धार्मिक जीवन नहीं होगा, तो हम ऐसे व्यक्ति को धार्मिक तो कहेंगे लेकिन विकलांग धार्मिक कहेंगे। धार्मिक तो है, जैसे किसी किसी के व्यक्तित्व में हम देखते हैं श्रद्धा का अतिरेक होता है और प्रज्ञा का अभाव होता है, और ये श्रद्धा के द्वारा सभी धर्मों में श्रद्धालु लोग ठगे जाते हैं, तन से, मन से, धन से ठगे जाते हैं। तो श्रद्धा को संतुलित करने के लिए है प्रज्ञा। किसी किसी में प्रज्ञा का अतिरेक होता है, हर बात पे तर्क वितर्क करना, हर बात को तथ्यों से, संदर्भों से सिद्ध करने का मांग होना और श्रद्धा का अभाव होना, तो ऐसा व्यक्ति भी कहा जाएगा प्रज्ञावान, लेकिन श्रद्धा के अभाव में वो विकलांग धार्मिक कहा जाएगा। ऐसे किसी किसी में वीर का अतिरेक होता है। वीर का अतिरेक का तात्पर्य क्या है? यहाँ कार्यक्रम करना है, वहां कार्यक्रम करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, हमेशा एक व्यस्तता लिए रहना है, लेकिन उसको अपने लिए, ध्यान के लिए, समाधि के लिए समय नहीं मिलता है, तनाव में रहता है, तो धार्मिक तो कहा जाएगा लेकिन वो भी असंतुलित है। कोई व्यक्ति है ध्यान, साधना, विपस्सना इसी में जूझा पड़ा है, लेकिन समाज के लिए उसके पास समय नहीं है, कहीं जाता नहीं है, सांसारिक कामों में उसकी अभिरुचि नहीं है, तो धार्मिक तो है लेकिन असंतुलित है। और स्मृति इन चारों को संतुलित करती है। हमारी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है कि नहीं, ये हमें स्मृति बताती है। सती यानी अवेयरनेस, अभी जब हम सती पठान की सत्र सुन रहे थे पया थेरी जी के द्वारा, बहुत ही प्यारे सत्र ले रही थी, तो सती जो है हमें हर पल हर अंग पे जागरूक रखती है। हमारी श्रद्धा सम्यक श्रद्धा है कि नहीं, हमारी प्रज्ञा सम्यक प्रज्ञा है कि नहीं, जो एक बौद्ध गुरु होता है, बौद्ध मार्गदर्शक होता है, वो अपने अंदर भी देखता है, अपने अनुयायी, अपने शिष्यों के अंदर भी देखता है। अगर किसी में श्रद्धा का अतिरेक होगा तो वो उसको प्रज्ञा की साधना में लगाएगा, किसी में प्रज्ञा का अतिरेक होगा तो उसको श्रद्धा की साधना पे लगाएगा, किसी में वीर का अतिरेक होगा तो उसको समाधि के मार्ग पे लगाएगा, और कोई बहुत ज्यादा समाधि के मार्ग पे लगा है तो वो उसको वीर के मार्ग पे लगाएगा, ताकि उसका धार्मिक जीवन संतुलित हो सके। ये जो परित्त पाठ है, ये हमारे अंदर श्रद्धा चित्त का उत्पात करते हैं, खास करके हम बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले लोग जो भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके साथ ये असंतुलन प्रायः देखने को मिलता है, और प्रायः देखने के पीछे कारण कुछ अन्यथा नहीं है। श्रद्धा के नाम पर इतना शोषण हो चुका है, इतना ठगे जा चुके हैं कि किसी किसी को श्रद्धा शब्द से ही जैसे विरक्ति होती है, एलर्जी होती है कि हमें ये चाहिए, ये शब्द नहीं चाहिए, लेकिन भगवान इसको धार्मिक जीवन के पांच अंगों में एक अंग बता रहे हैं। जब भगवान कहते हैं श्रद्धा, तो यहां श्रद्धा से अर्थ क्या होता है? हम बहुत लोगों से अक्सर पूछते हैं श्रद्धा का अर्थ क्या है, तो ज्यादातर लोग जो एक मोटी सी परिभाषा लोगों से सुनने में आती है, श्रद्धा का मतलब है किसी वस्तु, किसी व्यक्ति,
किसी स्थान, किसी ग्रंथ, किसी मंत्र, किसी संत के प्रति अटूट अखंडित विश्वास। ज्यादातर श्रद्धा इसी रूप में मोटे मोटे परिभाषित होकर आती है। किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, किसी संत, किसी ग्रंथ, किसी मंत्र के प्रति अटूट अखंडित विश्वास, उसे श्रद्धा कहते हैं। लेकिन जब भगवान श्रद्धा कह रहे हैं तो यहां श्रद्धा से उनका तात्पर्य, ये जितने भी हमने बताए, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मंत्र, संत, ग्रंथ या कोई प्रतीक, ये सब के सब हमसे कहीं बाहर हैं। कोई व्यक्ति है वो हमसे कहीं बाहर है, हमसे कहीं दूर है, हमसे उसका एक सेपरेशन है। व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, संत है, मंत्र है, ग्रंथ है, ये सब हमसे बाहर हैं। लेकिन जब भगवान कहते हैं श्रद्धा, तो श्रद्धा से तात्पर्य होता है कि मैं भी बुद्ध की तरह बुद्धत्व को पा सकता हूं, मैं भी अरहत्व को पा सकता हूं, मैं भी श्रोतापत्ति के मार्ग पे लग सकता हूं। जिसको मैं तलाश रहा हूं वो मेरे अंदर है। ये जिस दिन प्रबल विश्वास आता है, इस प्रबल विश्वास का नाम श्रद्धा है। वो संत कबीर के वचन है ना कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। जब ये अपना सत्य, अपना इनलाइटेनमेंट अपने अंदर है, ऐसा प्रबल विश्वास आ जाता है, खोज करनी है, हम वहां तक पहुंचे नहीं है, लेकिन ये विश्वास आ जाए, इसका नाम श्रद्धा है। तो ये जो सुत्त हैं, परित सुत्तों के रूप में जिनका हम पाठ कर रहे हैं, ये हमारी श्रद्धा को पुष्ट करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात हम बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो वजूद है, हमारा जो टोटल एग्जिस्टेंस है, हमारे एग्जिस्टेंस के चार हिस्से हैं, चार अंग एकत्रित होते हैं जब हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस बनता है। वो चार अंग कौन से हैं? पहला हमारा स्थूल अंग, फिजिकल, दूसरा हमारा मानस अंग, मेंटल, तीसरा हमारा भावनात्मक अंग, इमोशनल, और चौथा हमारा आध्यात्मिक अंग। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये चारों मिलकर हमारा वजूद बनता है, हमारा एग्जिस्टेंस बनता है, हमारा अस्तित्व बनता है। हम सिर्फ देह नहीं है, ये बात पक्की है। हमारे अंदर मन भी है और हमारे अंदर भावनाएं भी हैं और हमारे अंदर एक एसेंस है, एक केंद्र है जो हमारी आध्यात्मिकता का केंद्र है। जिस केंद्र की तलाश जिसने भी कर लिया, वो अपने अपने युग में और अपने अपने क्षेत्र में पूजनीय हो गया, चाहे भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा, भगवान महावीर के द्वारा, चाहे संत कबीर के द्वारा, चाहे गुरु नानक के द्वारा, चाहे जीसस के द्वारा, हजरत मोहम्मद, मूसा, ईसा, ये सब अपने अपने क्षेत्र में, इस धरती में अपने अंदर से खिल गए लोग हैं। इनको अपने अंदर कुछ मिल गया और उस सब को मिला अपने अंदर। हमारी जो संसार की यात्रा शुरू होती है वो बाहर से शुरू होती है और हमारी जो अपनी आध्यात्मिक धम्म की यात्रा शुरू होती है वो अपने अंदर शुरू होती है। हमारे ये अंग हैं। तो इन सुत्तों का पाठ हमें स्पिरिचुअली, इमोशनली और मेंटली रिच करता है। ये हमको अंदर से मजबूत करता है। हमारे अंदर जो एक तरीके का इम्बैलेंस है, जो एक तरीके का असंतुलित जीवन हम जी रहे हैं, या तो बे इंतिया हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं, संसार की तरफ भाग रहे हैं और बहुत सारी चीजों की तरफ भाग रहे हैं और अपने आप से लगातार हम दूर होते चले जा रहे हैं, ये उसको संतुलित करता है। ये जो मोर परित है, चंद परित है, सूर्य परित है, धजग परित है, हम इन परित सुत्तों के अनुवाद के अंश ना पढ़कर ये सुत्त कहना क्या चाह रहे हैं वो समझने और समझाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि हम इस समय जो जी रहे हैं हम प्रज्ञा युग में जी रहे हैं। प्रज्ञा युग का मतलब है कि हम एक इंटेलेक्चुअल एज में जी रहे हैं। जो बातें हमको इंटेलेक्चुअली कन्विंस नहीं हो पाती हैं उनके प्रति निरंतर मन में एक संदेह बना रहता है, और संदेह जब तक है समझ लीजिए कि हमारे अंदर श्रद्धा का द्वार खुलने ही नहीं पाता। वो श्रद्धा का द्वार खुलने के लिए हमें कुछ चीजों को डिकोड करना पड़ता है। डिकोड के लिए जैसे एक भगवान का सूत्र है, सबका पढ़ा जाना हुआ है, वो सीगाल नाम का एक नौजवान नदी के तट पर सवेरे सवेरे स्नान करके भीगे केश भीगे वेश नदी पर खड़े होकर छह दिशाओं को प्रणाम कर रहा है। कभी पूरब की तरफ प्रणाम करता, कभी पश्चिम की तरफ प्रणाम करता, कभी उत्तर की तरफ, कभी दक्षिण की तरफ, फिर भूमि को नमन करता, फिर आकाश की तरफ नमन करता। वो भगवान ने उसको पूछा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं अपने पिताजी के वचनों का गौरव कर रहा हूँ। तो तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा था? तो मेरे पिताजी ने कहा था कि इन छह दिशाओं की पूजा करना और इससे तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, तुम्हारे जीवन का मंगल होगा। तो भगवान क्या कहते हैं कि तुमने अपने पिता के वचनों को ठीक ठीक नहीं समझा है। तो कहता भगवान, ठीक ठीक क्या है? आप सब प्रबुद्ध लोग हैं, मुझे ज्यादा विस्तार में बताना नहीं। तो भगवान बताते हैं, पूर्व दिशा का अर्थ होता है माता पिता की पूजा करना। जैसे पूर्व की दिशा से सूरज उदित होता है, ऐसे माता पिता से हमारे जीवन का उदय होता है। इसलिए पूर्व दिशा की पूजा करना यानी माता पिता की पूजा करना। फिर भगवान बताते हैं कि पांच प्रकार से माता पिता की पूजा करने से हमें कौन से पांच प्रकार की अनुकंपा मिलती है। फिर पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा पत्नी बच्चे परिवार। तो उत्तर दिशा मित्रों को बताते हैं, नाते रिश्तेदारों को बताते हैं। तो दक्षिण दिशा गुरुओं और आचार्यों को बताते हैं। नीचे की दिशा जो हमारे ऊपर आश्रित है, हमारे अनुचर परचर आदि इत्यादि, उनको बताते हैं। और ऊपर की दिशा अर्हतों की दिशा, श्रमणों की दिशा। तो यहां भगवान ने क्या किया, उन दिशाओं को डिकोड किया है। वो कोड लैंग्वेज में है। हम जब त्रिपिटक में पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि भगवान जब भिक्खुओं से बात करते हैं, अपने उन्नत भिक्खुओं के साथ भिक्खुओं की परिषद में, तो वहां उनके जो उपदेश होते हैं वो प्रायः बड़े संक्षेप में होते हैं, क्योंकि वो इतने प्रबुद्ध और पहुंचे हुए उनके भिक्खु हैं, वो उसके अर्थ को समझते हैं। लेकिन जब भगवान सामनेरों के साथ, उपासकों के साथ, उपासिकाओं के साथ बात करते हैं तो बहुत विस्तार में करते हैं। जैसे हम मध्यम निकाय में देखते हैं, कभी कभी भिक्खुओं के साथ बात करते हैं, सच विभंग सत्य है, सच विभंग सत्य में भगवान जो है चार आर्य सत्यों के बारे में संक्षेप सा उपदेश करके अपनी गंधकुटी में चले जाते हैं, और फिर सारी पुत्र उसकी अद्भुत व्याख्या करते हैं। विभंग का अर्थ होता है खंड खंड कर देना। सच विभंग सुप्त है, उसमें दक्षिणा विभंग सुप्त है, दक्षिणा कितने प्रकार की होती है एक खंड करके उसके एनालिसिस करते हैं। ऐसे ही सच विभंग आर्य सत्य के कितने अंग होते हैं, एक एक अंग की सब विस्तार व्याख्या सारी पुत्र करते हैं, और भगवान उसका बाद में अनुमोदन करते हैं कि हाँ सारी पुत्र ने ठीक ठीक कहा है। ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। इन्हीं क्रम में ये सूर्य परित, चंद परित और धजग परित है। सूर्य परित को जब हम पढ़ते हैं तो एक बार की तो ऐसा लगता है कि ये वही पौराणिक कथाओं जैसा कोई कथानक है कि ऐसा मैंने सुना कि एक समय भगवान श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे। उस समय देवपुत्र चंद्रमा को असुरेंद्र राहु ने पकड़ लिया, और तब देवपुत्र चंद्रमा ने भगवान को स्मरण करते हुए गाथा में कहा, हे बुद्धवीर, आपको मेरा नमस्कार है, आप सर्व प्रकार से विमुक्त हैं, मैं भारी विपत्ति में पड़ गया हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। तब भगवान देवपुत्र चंद्रमा के लिए असुरेंद्र राहु को गाथा में कहते हैं, हे असुरेंद्र राहु, देवपुत्र चंद्रमा ने अर्हत तथागत की शरण मांगी है, बुद्ध लोकानुकंपी है,
इसलिए देवपुत्र चंद्रमा को छोड़ दो। और असुरेंद्र राहु ने देवपुत्र चंद्रमा को छोड़कर घबराए हुए मन से जहां असुरेंद्र वेप चित्री थे वहां पहुंचे और पहुंचकर संविग्न रोमांचित होकर एक ओर खड़े हो गए। खड़े हुए असुरेंद्र राहु को वेप चित्री ने गाथा में कहा, क्यों असुरेंद्र राहु तुम घबराए हुए क्यों हो? देवपुत्र चंद्रमा को छोड़ क्यों दिया? संविग्न भयचित होकर यहां क्यों खड़े हो? तो बुद्ध ने चंद्रमा देवपुत्र को छोड़ देने की आज्ञा गाथा से कही थी। यदि चंद्रमा को ना छोड़ता तो मेरे सिर के साथ टुकड़े हो जाएंगे, सुख से जीना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये पूरा कथानक एक मिथक जैसा, माइथोलॉजी जैसा लगता है, ऐसे ही हम सूर्य परित्य में पढ़ते हैं, मैथोलॉजी जैसा लगता है, लेकिन यहां भी भगवान वही प्रतीकों के द्वारा बात कर रहे हैं, भिक्षुओं के बीच में बात कर रहे हैं। एक लकुंठक भद्दीय नाम का भिक्षु था और वो अर्हत हो गया भगवान की बताई आलंबन का सहारा लेकर। वो अर्हत हो गया और जब वो परिषद से उठ के जा रहा था तो भगवान कह रहे हैं कि देखो इसने अपने माता और पिता की हत्या कर दी है और ये समस्त दुखों से मुक्त हो गया है। वो बड़ी प्यारी गाथा है धम्मपद की, माता पेतरें हंतवा निदुखो होती भिक्खवो, इसने माता पिता की हत्या कर दी है और समस्त दुखों से मुक्त हो गया है। अब इसको अगर शाब्दिक रूप से यथावत ले लीजिए तो लगेगा कि क्या ये उलट बासी जैसी बात है, लेकिन भगवान यह माता पिता किसको कहते हैं? हमारा जो जन्म होता है संसार में, भगवान तृष्णा को माता कहते हैं, तृष्णा से हमारा बार बार जन्म होता है, तो भगवान कहते हैं इसने अपनी तृष्णा का हनन कर दिया है, इसने अपने अहम का हनन कर दिया है, अपने अज्ञान का हनन कर दिया है, समस्त इंद्रियों के बहिर्मुखता का हनन कर दिया है। वो ऐसे संकेत में तो भगवान किनके बीच में कह रहे हैं? पहुंचे हुए भिक्खुओं के बीच में कह रहे हैं। तो ये सुत्त भी इसी रूप में लिए जाने के रूप में लिया जाना है कि हम देखते हैं हम सबके जीवन में ऐसा कभी कभी आता है कि हमारा जो चित्त होता है वो लोभ ग्रसित, मोह ग्रसित, मोह द्वेष ग्रसित हो जाता है, काम ग्रसित हो जाता है, तनाव ग्रसित हो जाता है, क्रोध ग्रसित हो जाता है और हम बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे चित्त को अंततः राहत कहां मिलेगी? जब वो अपने अंतर के बुद्धत्व की शरण में आता है, जब वो थोड़ा आनापान सती करता है, थोड़ी विपसना करता है, थोड़ा बुद्ध वचनों को पढ़ता है, सद वचनों को पढ़ता है, किसी पूज्य बंदे के संपर्क में आता है, जब उनकी शरण में आता है तब उसके चित्त जो है उससे मुक्त होता है। ये है राहु से मुक्त होना। जब भी अकुशल वृत्तियां हमारे चित्त के ऊपर हावी हो जाएं, आपको याद होगा कि जब सिद्धार्थ गौतम के संतान हुई और उनको परिचारिका ने आके सूचित किया कि आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, तो उनके मुंह से पहला वचन क्या निकला? राहु आया है। इस नाते उसका नाम राहुल रखा गया। राहुल का मतलब कि अब हमें संसार के प्रपंच में फंसाने वाला आ गया है। हमने खुद अपने माता पिता को फंसाया संसार के प्रपंच में, हम सब ने फंसाया है। हमारे जीवन के लिए माता पिता ने अपने सारे जीवन को आहूत कर दिया और वो अपना आध्यात्मिक विकास नहीं कर सके। इसलिए भगवान हमेशा अपने अपने उपासकों को, उपासिकाओं को कहते हैं माता पिता की मुक्ति के लिए बच्चों को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि माता पिता को अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करने का समय ही नहीं मिला। आपको याद है कि भगवान के जन्म के 7 दिनों के बाद उनकी माता महामाया दिवंगत हो गई थी और भगवान कहते हैं कि माता पिता के ऋण से उऋण नहीं हुआ जा सकता। उनके ऋण से उऋण होने का एकमेव मार्ग है कि उनको भी धम्म के पथ पे लगा देना, उनको भी धम्म के मार्ग पे लगा देना,
सिर्फ इतने से ही भगवान कहते हैं माता पिता के ऋण से उऋण हुआ जा सकता है, और जब तक सारे ऋणों से मुक्ति न मिले तब तक बुद्धत्व भी पूर्ण नहीं होता। भगवान जब बुद्धत्व पा लेते हैं तो श्रावस्ती में कोड़ियाझार नामक एक स्थान है, स्तूप बना हुआ है, वहां पे अपने बहुत ही निकटस्थ भिक्षुओं को सूचित करके वो सशरीर देवलोक जाते हैं और वहां अपनी माता को अभिधम्म की देशना देते हैं। अभिधम्म की देशना देकर संकिसा में अवतरण करते हैं। ये भगवान का एक वर्षावास देवलोक में है। वर्षावास करके वहां अवतरण करते हैं तो भगवान भी अपनी माता को धम्म सिखाने के लिए जाते हैं। भगवान अपने पिता के अंतिम समय सुद्धोधन के लिए भी उनके माथे पे हाथ रख कर उनको गहरे से गहराई तक ले जाते हैं, उनको उच्चतर गति प्रदान करते हैं। अभी ये जो चार सुत्तों का हमने पुलक लिया है, ये चारों सुत्तों में एक समान बात है, कॉमन सी बात है, ये चारों सुत्त हमें भय से बाहर निकालने के प्रति बड़े उपयोगी है। जिन लोगों को साइकोलॉजी का थोड़ा सा ज्ञान है, जानकारी होगी, जिन लोगों ने कहीं कोर्स में पढ़ा होगा साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में तकरीबन 500 किस्म के फोबिया हैं, 500 किस्म के फोबिया। खाली फोबिया के ऊपर पूरी एक डिक्शनरी है, अल्ट्रिच डिक्शनरी कहलाती है, जिसमें 500 किस्म के फोबिया जिनको 9000 शब्दों में एक किताब में संकलित किया गया, डिक्शनरी में संकलित किया गया। अगर आप एक बार की वो डिक्शनरी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि उन 500 में से कुछ नहीं तो 70-80 किस्म के फोबिया हर किसी के मन में होते हैं, हर किसी के मन में होते हैं। किसी को नौकरी छूट जाने का भय है, किसी को प्रमोशन ना पाने का भय है, किसी को बेइज्जती हो जाने का भय है, अनेक किस्म के भय हैं। किसी को रात के अंधेरे का भय है, विभिन्न किस्म के भय होते हैं। और ये चारों सुत्त भय ग्रसित चित्त को मुक्त करने वाले सुत्त हैं, बड़े अद्भुत सुत्त हैं। जैसे जो तंत्र मंत्र में विश्वास करते हैं, मारण मोहन वश उच्चाटन इत्यादि किसी के ऊपर हो गया हो, किसी के ऊपर मारण मंत्र का प्रयोग हुआ हो, इस तरीके की कुछ अपार्थिव कर्मकांड हो गए हो, ये सुत्त इतने कीमती हैं कि इनका पाठ करके सामने पानी रखो और पाठ करके उसको पिला दो। अभी ऐसा जल नंदन परित भी है, उसका जब क्रम आएगा तो उस पर हम फिर से बात करेंगे कि ऐसे कार्यों के लिए सुत्तों का क्या उपयोग हो सकता है। हमें अभी एक मतलब सत्य का बहुत सारी घटनाएं हैं इससे संबंधित, लेकिन एक घटना बता रहा हूं। ये कोरोना के काल में हमारी माता जी का ऑपरेशन हुआ एक अस्पताल में। उन दिनों अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे और उनको गाल ब्लैडर में कुछ तकलीफ थी, तो वो ऑपरेशन हुआ। करीब 4 या 5 दिन अस्पताल में मां भर्ती रही, तो वहां हमें प्राइवेट वार्ड नहीं मिला। जो वार्ड मिला उस वार्ड में 3 पेशेंट और थे, मेरी माँ के अलावा 2 पेशेंट थे, यानी 3 बेड थे। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी हमारा कोई प्रियजन कहीं अस्पताल में किसी मुसीबत में परेशानी में होता है तो जो भी लौकिक उपाय हम कर रहे होते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन अपनी आस्था के अनुसार हमारा मन कहीं किसी उच्चतर शक्ति के लिए प्रार्थना भी कर रहा होता है, जिसकी जहां आस्था हो। किसी की शिरडी साईं पे आस्था है तो उनको याद करता है, किसी की मस्जिद दरगाह पे कहीं आस्था है तो उनको याद करता है, जिसकी जहां आस्था है वो उनको याद करता ही करता है। जो कथित रूप से बड़े नास्तिक होते हैं वो भी ऐसी क्रिटिकल स्थिति में कुछ मौन होके जैसे किसी अदृश्य सत्ता को स्मरण से करने लगते हैं कि बस मेरी माँ को या मेरे पिता को या मेरे बेटे को या बेटी को या पत्नी को या पति को किसी प्रकार से बचा लिया जाए। तो जिस दिन मेरी माँ का ऑपरेशन होने को था तो स्वाभाविक से मेरा मन भी ऐसे ही हो रहा था, बड़ी तनावपूर्ण स्थिति थी। तो मेरी भांजी जो है
वही वार्ड में बैठकर आटा नाटिय सूक्त का पाठ करने लगी। अब चूंकि दो बेड और थे, पेशेंट थे और उनके तीमारदार भी थे, ये इन सूक्तों को क्या प्रभाव होता उसका आपको प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं। तो मेरी भांजी चुपचाप मुंह बंद करके आटा नाटिय सूक्त का पाठ कर रही थी। अब मैं मन ही मन अगर नमो तस्य भगवतो रतो सम्मा संबुद्धस्य नमो बुद्धाय नमो धम्मा चुपचाप कर रहा हूं तो किसे क्या पता चलेगा, हमारे मन के अंदर चल रही तरंग, कुछ भी हम जप रहे हैं। ऐसे वो चुपचाप, उसको पूरा आटा नाटी कंठस्थ है मेरी भांजी को, और वो बैठ के चुपचाप पाठ कर रही थी। जब वो पाठ कर रही है तो बगल के बेड पर लेटा हुआ एक पेशेंट वो मेरी भांजी से कह रहा है, ये आप क्या कर रही हैं, आप ये बंद करिए, मुझको बहुत तकलीफ हो रही है। जबकि उसने मुंह भी नहीं खोला, उसने बात भी नहीं किया, कुछ भी नहीं, लेकिन वो लेटा हुआ आदमी कह रहा है, ये आप क्या कर रही हैं, मुझको बहुत तकलीफ हो रही है, आप इसको बंद करिए। ये बड़ी हैरानी की बात थी। फिर उसने पाठ शुरू किया, फिर वो ऐसे बिल्कुल परेशान हो गया, क्या आप इसका पाठ बंद कीजिए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं परेशानी हो रही है, आप बाहर जाइए। तो उसके साथ जो तीमारदार थे वो हमको बाहर लेकर गए। हमने पूछा इनको क्या हुआ है, तो उनकी जो भी थी, उनकी बहन थी या पत्नी थी, कहने भाई साहब इनको जो है 8-10 दिन से ऐसे ही हो रहा है, सारी जांच करा ली है, कुछ भी रिपोर्ट में नहीं आ रहा है, लेकिन इनको लग रहा है कि मेरे पेट में कुछ है और हम लोगों को लग रहा है इनके ऊपर कुछ हवा बयार का असर है, होता है गांवों में। और ऐसा ऐसा हुआ था कि इनके चाचा जी कुछ दिन पहले गुजर गए थे, अभी कोरोना में चले गए हैं, हमको लगता है इनके चाचा जी इनको पकड़े हुए, कुछ इस तरह की बातें उसने बताई। ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ऐसी अशरीरी सत्ताओं पर इन पाठों का असर होता है। हमको नहीं सुनाई पड़ रहा है लेकिन उनको सुनाई पड़ रहा है। ये मैंने आपको एक उदाहरण बताया। ऐसे ही मोर परित, जहां मोर परित का पाठ करें आप दैनिक, जो भी व्यक्ति मोर, कुछ लोगों को होता है ना अपने ऑफिस में ऑफिसर्स के साथ उनकी कुछ हार्मनी नहीं होती, कुछ ऑफिसर ऐसे होते हैं मिल जाते हैं कि अपने सबॉर्डिनेट के साथ उनकी हार्मनी नहीं होती है, हमेशा एरोगेंट, बहुत ईगोइस्टिक एटीट्यूड में, वायलेंट एटीट्यूड में बात करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये पाठ बड़ा उपयोगी है। किसी के बहुत शत्रु हैं, घेरे हुए हैं, ये तय मानिए कि यदि मोर परित का वो पाठ कर रहा है उसको कोई छू नहीं सकता। वो अपने अंदर पाठ कर रहा है लेकिन उसका शत्रु भी उससे डर डर के रहेगा। तो अपने भय ग्रसित चित्त से मुक्ति पाने के लिए ये चारों पाठ बड़े कीमती हैं। आज संयोग है कि आज सूर्य ग्रहण है। ये जो सूर्य परित्य और चंद्र परित्य है, ये दोनों परित्य एक खगोलीय घटना के समय के हैं और भगवान ने 25 वर्षावास श्रावस्ती में किए हैं, 19 जेतवन में किए हैं, 6 उबाराम में किए हैं। 25 वर्षावास का मतलब हो गया 25 साल। 25 साल में जो कि पूर्णिमाएं, अमावस्या, अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी, शुक्ल पक्ष, इनका बौद्ध गतिविधियों से बड़ा गहरा नाता है। इतने वर्षों में निश्चित ही ऐसा हुआ होगा कि किसी समय सूर्य ग्रहण पड़ा होगा, किसी समय चंद्र ग्रहण पड़ा होगा। और ये भगवान की ऐसी व्यक्तित्व है कि वो लौकिक घटनाओं को भी आध्यात्मिक अर्थ प्रदान कर दिया करते थे। जिन लोगों ने धम्मपद पढ़ा है उनको अगर स्मरण होगा कि वो कुछ भिक्षु थे, बारिश में वर्षावास में भीग के आते हैं और भगवान उनसे कुशल क्षेम पूछते हैं कि भिक्खु तुम्हारा वर्षावास कैसे बीता, तो बताते हैं कि भगवान हम जहां रुके हुए थे वहां बारिश हो रही थी, हम लोग भीग गए थे। तो भगवान की वो गाथा है ना कि जैसे बारिश के समय जिस छप्पर में छत में छेद होता है तो उससे पानी टपकता है,
ऐसे ही जिसके शील में छेद होता है उसका आध्यात्मिक जीवन अच्छा नहीं हो पाता है। जैसे बारिश के समय अच्छी तरीके से छाया हुआ झोपड़ी या कुटिया उसमें पानी नहीं आता है, ऐसे ही परिपक्व शील के लोग समाधि पाते हैं। एक बार ऐसी वर्षावास करके भिक्खु आ रहे हैं, मैं उन गाथाओं को क्रम से सुना नहीं रहा हूं, वो वर्षावास करके आ रहे थे, भगवान को बताते हैं कि हम कहाँ कहाँ विहार कर रहे थे, वो बड़ी ऊंची नीची जमीन थी, बड़े कंकड़ थे आदि इत्यादि अपनी कष्ट की व्याख्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं जहां अरहत रमण करते हैं, जहां श्रमण रमण करते हैं, बस वही भूमि रमणीय होती है। तो वो लौकिक बातों के आध्यात्मिक अर्थ अंतर्मुख कर देते थे भगवान। ऐसे ही ये सूर्य परित चंद्र परित की घटना किसी सूर्य ग्रहण के समय, किसी चंद्र ग्रहण के समय सारे भिक्खु इकट्ठा हैं और ऐसे समय भगवान इसको इन रूपकों के द्वारा इस सूत्र का संगायन करते हैं कि जब हमारा चित्त, हमारा मन, ज्योतिष की भाषा में सूरज को जो है चेतना का कारक माना जाता है, चंद्रमा को जो है मन का कारक माना जाता है, हमारे मन की निगेटिविटी को राहु का कारक माना जाता है, इनको छाया ग्रह कहा जाता है, जो लोग उस दिशा की शब्दावली से वाकिफ हैं। तो जब हमारे चित्त के ऊपर लोभ, मोह, क्रोध, तनाव, ये सब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, तो समझ लीजिए कि हमारा चंद्रमा जो है ग्रहण लग गया, उसको मन के चंद्रमा को ग्रहण लग गया। ऐसे समय में अपने अंतर के बुद्धत्व की शरण में जाना, तभी राहु से मुक्ति है। कभी कभी हमारी बुद्धि हर लिख जाती है, हाँ की जगह ना निकलता, ना की जगह हाँ निकलता है, जो करना है वो चूक जाते हैं, जो नहीं करना है वो कर बैठते हैं, तो वो जो बुद्धि हर ली जाती है, ऐसे समझो कि हमारी चेतना के सूरज को ग्रहण लग गया है। शांति से बैठना, अपनी आती जाती सांसों का अवलोकन करना, अपने अंतर के बुद्धत्व के संपर्क में आने का प्रयास करना, यह है इस ग्रहण से मुक्ति का उपाय। तो सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन बहुत लोग इन सूत्रों का पाठ करते हैं, और सूत्रों के पाठ के अलावा, चूंकि आज उपोषद का दिन भी है, सूत्रों के पाठ के अलावा दिनचर्या अपने धम्म में, ध्यान में ऐसे व्यतीत करते हैं, और यथासंभव अपनी अप्रोच में, अपने संपर्क में जहां तक संभव हो दान करते हैं। अभी जैसे पूज्य भदंत ज्ञानी ज्योति जी जापान में है, मैं सवेरे भी उनकी देशना आज भी सुन रहा था, कल भी उनकी देशना सुन रहा था, और ये पंकज मेश्राम जी और डॉक्टर शीतल मेश्राम जी और रश्मि मनवटकर जी और शशिकांत जी, ये आप सब लोगों के प्रयास से जो कार्य हो रहा है, ये बड़ा महान कार्य हो रहा है कि स्वयं भी धम्म लाभ कर रहे हैं और आप लोगों को भी धम्म लाभ करा रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि ये डॉक्टर शीतल ये सभी सूत्रों को बाकायदा सॉफ्ट कॉपी बनाती है, जिससे पाठ होता है उसको पहले से शेयर कर देती है। ये धम्म का लाभ लेना और लोगों को धम्म बांटना, स्वयं लाभ लेने का तो बड़ा पुण्य है ही, लोगों को बांटना उसका भी बड़ा पुण्य है, पर ये पुण्यार्जन आप लोग कर रहे हैं। ऐसे ही जो धजग सूत्र है, इसके बारे में मैं पिछले वाले सत्र में थोड़ी सी बात कर चुका हूं, वो बड़ा प्यारा सूत्र है, मैं खाली इसके जो शब्दार्थ हैं, भावार्थ हैं, जरा उनके ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षण चाहता हूं कि हम उन धाराओं में कहीं अपने को भ्रमित न कर लें। वो धजग मन, धजग माने होता ध्वजा, और वह भगवान जो है एक अतीत काल की कथानक से बात को जोड़ते हैं कि ऐसा मैंने सुना, भगवान श्रावस्ती के अनाथ पिंड के जेतवन आराम में विहार कर रहे थे, वहां भगवान ने भिक्षुओं को आमंत्रित किया, कह के भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान ने कहा पूर्व काल में देवों और असुरों के बीच में संग्राम छिड़ गया था, देवेंद्र शक्र ने ताव तीन से देवलोक के देवों को आमंत्रित किया, मारिशो अगर रण क्षेत्र में आप लोगों को डर लगे, आप स्तंभित हो जाएं, ठहर जाएं,
आपके रोंगटे खड़े हो जाएं, तो उस समय आप रण क्षेत्र में, मैं आगे आगे चल रहा हूं, मेरे रथ के ऊपर लगी हुई ध्वजा को देखना, ध्वजाग्र को देखना। इसीलिए इसका नाम ध्वजग्रस होता है, ध्वजाग्र, कि मेरे ध्वजा का अवलोकन करना, और इससे आपका भय, स्तंभन और रोमांच वो चला जाएगा। अगर मेरे ध्वजाग्र को ना देख पाना, तो मेरे पीछे चल रहे प्रजापति के ध्वजाग्र को देखना, तो भी इससे भी तुम्हारा भय, स्तंभन, रोमांच चला जाएगा। अगर प्रजापति का ना दिखे तो देवराज वरुण का देखना। ऐसे क्रम से भगवान एक-एक देवों का वर्णन करते हैं कि उनके पीछे वरुण का रथ चल रहा है, वरुण के पीछे जो है ईशान का रथ चल रहा है। आपको जब डर लगने लगे तो बस खाली ध्वजा को देखना और आपके मन से भय निकल जाएगा, स्तंभन निकल जाएगा। देवराज, प्रजापति, वरुण, ईशान, इनका अवलोकन करने से, इनके ध्वजा का अवलोकन करने से, ध्वजा दूर से बस ध्वजा दिखाई दे, सिर्फ उसका अवलोकन करने से आपका भय चला जाएगा। भारत की सीमा में जब पहला आक्रमण हुआ 7वीं शताब्दी में, तो राजा दाहिर जो था सिंध प्रांत का राजा था, बौद्ध राजा था, और वहां एक बुद्ध विहार था, एक स्तूप था, जिस स्तूप के ऊपर ध्वजा थी, और उसकी प्रजा में ऐसा विश्वास था कि सुबह सुबह उठकर सारे लोग बस उस स्तूप पे लगे हुए ध्वजा को नमन करते थे, और सबको विश्वास था कि ये ध्वजा जो है स्तूप के ऊपर लगी है, इससे हमारी प्रजा, हमारे लोग रक्षित है, ऐसे पूजन होता था। जब सिंध प्रांत पे 7वीं शताब्दी में आक्रमण हुआ, तो राजा दाहिर के मंत्री चच ने मोहम्मद बिन कासिम को ये गुप्त संदेश भेज दिया कि तुम्हें करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस ध्वजा को उखाड़ दो, तुम जीत जाओगे। वो ब्राह्मण मंत्री चच राजा दाहिर का वो गुप्त संदेश देता है, और वो ध्वजा कुछ भी नहीं करता, उस लड़ता भी नहीं है, मोहम्मद बिन कासिम बस सारी कोशिश करके उस ध्वजा को तोड़ देता है, और ध्वजा को तोड़ देते ही पूरी सेना का मनोबल टूट जाता है, और पहली बार भारत की सीमा में विदेशी आक्रमण का प्रवेश होता है। हमारे बोधिसत्व बाबा से डॉक्टर अम्बेडकर 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अर्पित करते समय बहुत लंबा सा व्याख्यान देते हैं, बहुत ही लंबा, जिन्होंने उसकी प्रोसीडिंग्स पढ़ी हैं, मुझको लगता है कि बाबा से डॉक्टर अंबेडकर जैसा उसका पूरा पढ़ता हूँ, तो न्यूनतम मुझे लगता है कम से कम वो 2 घंटा बोले होंगे अनवरत। और सारा बोलने के बाद फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मैं अपनी सारी बातों को यहीं खत्म कर देता, लेकिन फिर भी मेरा मन व्यथित है कुछ बातों से, और जिस बात को लेके पहली बात जो मेरे मन को व्यथित किए है कि कहीं हम अपनी आजादी को फिर से गंवा तो नहीं देंगे। और फिर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इतिहास के कई संदर्भों को देते हैं कि इस देश के लोगों की गद्दारी के कारण ही देश कैसे बार बार गुलाम हुआ है, इस देश की अंदरूनी कमजोरियों के कारण ही देश कैसे बार बार गुलाम हुआ है। तो ये ध्वजा का जो असर है, ये एक इतिहास की घटना है, ऐसे सोमनाथ में भी हुआ, खाली मंदिर के शिखर को तोड़ दिया गया और सब लुट गया। तो भगवान कहते हैं कि हमसे आगे इंद्र चल रहे हैं, इंद्र के पीछे प्रजापति चल रहे हैं, प्रजापति के पीछे वरुण चल रहे हैं, वरुण के पीछे ईशान चल रहे हैं। जब तुम्हारा मन कंपित होने लगे, डरने लगे, डगमगाने लगे, तो तुम किसी के भी ध्वजा को देखना, तुम्हारे भय, स्तंभन, रोमांच चला जाएगा।
लेकिन इसके आगे जो भगवान ने कहा है वो हम सबके समझने वाला है। मैंने पहले के पूर्व के सत्रों में समझाया हुआ है कि देवेंद्र का मतलब, शक्र का मतलब, इंद्र का मतलब वो नहीं है जिन अर्थों में हम आज लेते हैं। बौद्ध अर्थों में उसके बिल्कुल भिन्न अर्थ हैं, और भगवान स्वयं अपने त्रिपिटक में कई जगह से वर्णन है, भगवान कई बार स्वयं इंद्र रहे हैं, ब्रह्मा रहे हैं। और पिछले सत्र में मुकेश जी ने इसका संकेत किया था कि इन जातक कथाओं से, त्रिपिटक से बहुत सारे प्रसंगों को लेकर और बहुत से ग्रंथों की रचनाएं। तो भगवान कहते हैं भिक्खुओं, देवेंद्र शक्र राग युक्त, द्वेष युक्त, मोह युक्त, डरपोक, स्तंभित और घबरा के भाग जाने वाला भी है। वो बताते तो हैं कि देवों के बीच संग्राम चल रहा था, तो देवेंद्र शक्र ऐसा बता रहे थे, लेकिन भगवान बता रहे हैं कि देवेंद्र शक्र राग युक्त है, उसके अंदर राग है, द्वेष है, मोह है, वो खुद डरपोक है, स्तंभित है और घबरा के भाग जाने वाला है। मैं भी ऐसा कहता हूं कि भिक्खुओं, वन में बैठे हुए, किसी वृक्ष के मूल में बैठे हुए, शून्यागार में बैठे हुए, तुम्हें कभी किसी प्रकार का भय हो, स्तंभन हो, रोमांच हो, तो उस समय मेरा स्मरण करो। कैसे स्मरण करो? इतिपि सो भगवा अरहन। वो भगवान जो अरहत हैं, ऐसे भगवान के गुणों सहित स्मरण करो। ये एक मंत्र जैसा है, इतिपि सो भगवा, ये जो त्रिरत्न वंदना है, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, सब वंदना। भगवान कहते हैं तुम्हें घबराहट में अगर मेरा स्मरण ना आए तो धम्म का स्मरण करो। स्वाखातो भगवता अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स, स्वाखातो भगवतो धम्मो संदीप्तिको अकालिको एहि पश्चिको। और कहते हैं अगर तुम्हें घबराहट में वो भी स्मरण ना आए तो संघ का स्मरण करो। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा मन भय से बाहर निकल जाएगा। और क्यों निकल जाएगा? भगवान कहते हैं कि भगवान का धर्म तुरंत फल देने वाला है, यदि धर्म का स्मरण आए तो संघ का स्मरण करो। वो पहले ही बता रहे हैं कि जो देवेंद्र है, जो वरुण है, जो प्रजापति हैं, जो ईशान है, ये देवता लोग भी भयभीत भी होते हैं, ये राग युक्त होते हैं, द्वेष युक्त होते हैं, मोह युक्त होते हैं, ये भी स्तंभित हो जाते हैं, लेकिन बुद्ध धम्म संघ, क्योंकि तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध वीत रागी है, इनके अंदर राग नहीं है, वीत दोषी है, इनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, वीत मोही है, इनके अंदर कोई मोह नहीं है, निर्भीक है, तथागत निर्भीक है। वो मार अपनी पूरी सेना के साथ प्रहार करता है और भगवान निर्भीकता से मुस्कुराते हुए बैठे रहते हैं, अंततः मार पराजित हो जाता है। इतने निर्भीक हैं, वो स्तंभ रहित हैं, अनुत्रासी हैं, दृढ़ हैं। इसलिए भगवान ने कहा है कि आप बुद्ध का स्मरण करो, धम्म का स्मरण करो, संघ का स्मरण करो। जब हम संघ का स्मरण करते हैं तो संघ, जैसे मान लो अकेले कमरे में बैठे हैं और अकेले कमरे में बैठे हुए कह रहे हैं संघम शरणम गच्छामि, तो अकेले कमरे में बैठे हुए संघम शरणम गच्छामि, मैं संघ की शरण जाता हूं, ये कहने का क्या अर्थ है? लेकिन जब अकेले कमरे में बैठे हैं तब भी हम जो संघम शरणम गच्छामि कर रहे हैं, वास्तव में उस समय हम आर्य संघ को शरण जा रहे हैं। आर्य संघ कहते हैं सदा विद्यमान है, आर्य संघ के अध्यक्ष भगवान बुद्ध, बुद्धत्व इस ब्रह्मांड में सदा विद्यमान है। जब हम संघं शरणं गच्छामि कह रहे हैं तो संसार के सारे अर्हतों को, वो जो अठ पुरुष पुद्गला, वो जो 8 प्रकार के पुद्गल हैं, श्रेष्ठ पुद्गल हैं, श्रोतापत्ति के मार्ग पे लगे हैं, श्रोतापत्ति के फल को पा गए, सकृतागामी के मार्ग पे लगे हैं, सकृतागामी का फल पा गए,
अनागामी के मार्ग पे लगे हैं, अनागामी के फल को पा गए हैं। अरहत के मार्ग पे लगे हैं, अरहत के फल को पा गए। ऐसे लोगों का संग जो है वो आर्य संग कहलाता है। ये आर्य संग हमेशा विद्यमान रहता है। भगवान कहते हैं ये धरती अरहतों से कभी खाली नहीं रहती। जब हम सच में इसी मनोभाव से संघ की वंदना करते हैं तो हमें संघ का बल मिलता है। संघ के साथ हमारी एक तरीके से कनेक्टिविटी बनती है। और जो कहते हैं कि अरण्य में, वृक्ष मूल में, शून्यागार में संबुद्ध का स्मरण करो तुम्हारा भय नहीं होगा, बुद्ध का स्मरण ना करो निर्वाण गामी स्वदेशी धम्म का स्मरण करो, और वो भी ना हो तो पुण्य क्षेत्र संघ का स्मरण करो। इस प्रकार बुद्ध धम्म संघ के स्मरण से भय, स्तंभन और रोमांच नहीं होगा। तो ये चारों सूत्र हमारे भय ग्रसित चित्त को निर्भय करने वाले हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं कि हमारी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी ऊर्जा भय के कारण भी विखंडित हो जाती है। थोड़ा सा मन के अंदर भय आ जाए तो जैसे छेद हो जाता है, हमारी कॉन्शियसनेस में एक होल हो जाता है, वो एक स्ट्रेंथ नहीं बनी रह पाती है। तो अपने को इससे निकालने के लिए, या हमारे आसपास कोई ऐसा हो उनको इससे निकालने के लिए इन सूत्रों का पाठ बड़ा उपयोगी होता है। तो आज जुड़े हुए सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप इतने धैर्य से जुड़े हुए हैं, मैं इसके लिए बड़ा आभारी हूँ। अभी जो मुझे दिखाई दे रहा है शायद इसमें तकरीबन करीब देखो 73 लोग, तो कहाँ कहाँ से जुड़े हैं। और बड़ी तपस्या इसमें डॉक्टर शीतल की और डॉक्टर पंकज जी की है कि आपको मैं देखता रहता हूँ कि अनवरत आपका सुबह और शाम ये ऑनलाइन कार्यक्रम चलता रहता है, और जब कभी मुझे मौका मिलता है तो हम भी उसमें शामिल हो जाते हैं। हमारा भी चूंकि सुबह शाम कुछ ना कुछ कार्यक्रम लगा रहता है, अनवरत लगा रहता है। अभी जैसे 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल हम नागपुर में थे, आज अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, कल अभी हमारा दूरदर्शन लखनऊ में कार्यक्रम रहेगा, परसों एक और सार्वजनिक कार्यक्रम रहेगा, ऐसे पूरे 29 तारीख तक कार्यक्रम है। फिर 5 मई को थाईलैंड से मंते फ्रा डॉक्टर चरण सुथी, जो समन्वय सेवा संस्थान का समन्वय महोत्सव होने वाला है प्रतापगढ़ में, तो वहां जाना होगा। ऐसे अनवरत कार्यक्रम चल रहे हैं। और जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम जितना अधिक से अधिक इस धरती में आए हैं, इस पुण्य क्षेत्र में आए हैं, इस काया का जितना अधिक से अधिक हम धम्म के लिए सदुपयोग कर लें, उसी में हमारा हित है और हमारी प्राप्ति है। हम इतना पुण्य अर्जन करें कि जब कभी इस धरती पर भगवान मैत्रेय का उत्पाद हो तो हम उनकी शरण में बैठकर धम्म देशना सुनने लायक हों। हम अपने जीवन का न्यूनतम इतना तो लक्ष्य बना के चलें, इसको अपने आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा पाल लीजिए चाहे, कि कम से कम हमें श्रोतापत्ति के मार्ग पे तो लगे ही जाना है, श्रोतापत्ति के फल को तो पा ही लेना है। इतना यदि हुआ तो फिर से अधो योनि में, पशु योनि में जन्म नहीं होना है। हम अधो योनि में न जाएं, पशु योनि में न जाएं, बार बार मनुष्य योनि में आते रहें, बार बार धम्म के संपर्क में आते रहें, तो ये भी बड़ा पुण्य है। तो आज आप सब लोग जो इसमें जुड़े हैं, आप लोगों का बड़ा आभार है। जो इसमें अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जो अपना समय दे रहे हैं, उनके लिए बड़ा आभार है, बहुत बहुत पुण्य अनुमोदन है। अभी अगर किसी के कहीं कुछ प्रश्न है, पंकज जी आप देखिएगा, तो उनमें से कुछ प्रश्नों को लिया जाएगा, अन्यथा हमारे साथ अगर कोई पावन मंते जी हैं तो उनसे हम मंगल कामनाएं लेंगे, अथवा हम कुछ भगवान के सूत्रों का संज्ञान करते हुए आज के सत्र का समापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, आपकी आज की धम्म देशना के लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है।
प्रश्न के लिए मंच खुला है अभी, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कृपा करके अपना हैंड रेस कीजिए, तो आपको प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाएगा, अनम्यूट करने का अवसर दिया जाएगा। मैं अभी तो कोई ये दिख नहीं रहा, एक एक हैंड है सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, नो क्वेश्चन गुड, नो न्यूज इज गुड न्यूज। हाँ कहिए सर, आप अपना सवाल करिए। सर नमो बुद्धाय। सर सवाल नहीं है, बस सर जैसे अभी बता रहे थे, सर के साथ बहुत सारे सेशंस में ऐसे धम्मवाणी सुनने का मौका मिला। तो सर ये जो बाह्य श्रद्धा और आंतरिक श्रद्धा की बात कर रहे थे सर, तो एक बाह्य श्रद्धा के रूप में जैसे आपने बताया मंत्र के बारे में, स्थान के बारे में, देवता के बारे में, किसी रूप के बारे में, मूर्ति के बारे में, गुरु के बारे में, तो त्रिपिटक में ऐसे बाह्य श्रद्धा के रूप में सर तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा भी आती है, बुद्ध धम्म और संघ के प्रति श्रद्धा, अपने बुद्धत्व के प्रति तो आंतरिक श्रद्धा है ही। तो मुझे ऐसा लगता है ना सर, ये जो बाह्य श्रद्धा का जो इतना ज्यादा लोगों के बीच में परिचालन हो गया मंत्र को लेके लेकर के, ये कहीं ना कहीं से वो जो हम तीन रत्नों के प्रति श्रद्धा है उसी को डिराइव कर दिया, तोड़ दिया, या कहिए कि उसके स्वरूप को बिगाड़ दिया। तो आप सही कह रहे हो, जो आप प्रश्न भी कर रहे हैं साथ में आप उत्तर भी दे रहे हैं, और वो जो उल्टे को उलट के सीधा करना है ना, बिल्कुल यू टर्न देना है, वो यू टर्न ही हमारे महान बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को दिया है कि हम अपनी वास्तविक श्रद्धा समझ सकें। और निश्चित ही ऐसा रहता है कि हम अचानक कूद के अपने अंदर के प्रति श्रद्धा नहीं विकसित कर लेते, पहले हमारे सामने कोई ना कोई वाह आलंबन ही आता है। मुझे वो प्रसंग बड़ा ही प्यारा, हमेशा ही लोभ हर्षक लगता है, मन रोमांचित हो जाता है कि वो सारे पुत्र पहली बार किसको देखते हैं, अनिरुद्ध को, नहीं क्षमा चाहूंगा अश्वजीत को देखते हैं, और वो अश्वजीत न बोल रहे हैं, न बात कर रहे हैं, न प्रवचन दे रहे हैं, बस अश्वजीत चले जा रहे हैं, और सारी पुत्र को लगता है कि अरे इतना शांत इंद्रिय कोई व्यक्ति हो सकता है, और वो उनका अनुगमन करते हैं, और जब देखते हैं कि वो बैठ गए हैं, भोजन कर चुके हैं, तो बड़े सहमते सहमते उनके सामने अपना प्रश्न रखते हैं कि आपका शास्ता कौन है, आपके शास्ता की देशना क्या है। ये प्रसंग हम सबके विचार करने लायक है कि क्या हमारी चर्या ऐसी है कि हमको देखकर कोई धम्म की तरफ आकर्षित हो पड़े। हम सबको अपने अंदर, क्योंकि हमारे जो ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस होते हैं, ड्रामेटिक एक्सप्रेशंस मैं कह रहा हूं, वो अलग तरीके के होते हैं, हमारे रियल एक्सप्रेशंस और होते हैं। हमारे जितनी ही हमारी पर्सनालिटी में रियलनेस आती जाए, जैसे हम क्लासरूम में जाते हैं, हमारा वो कुछ ड्रामेटिक एक्सपीरियंस होता है, एक्सप्रेशन होता है, हम ऑफिस में जाते हैं अलग तरीके का एक्सप्रेशन होता है, लेकिन जब हम वास्तविक हमारे काया से, हमारी चर्या से धम्म तरंगित होने लगता है, तो कोई भी आपकी तरफ आकर्षित होता है और आपके जरिए धम्म में प्रवेश करता है, तो वाह्य श्रद्धा एक आलंबन तो बनती ही है, लेकिन हम कहीं अंधश्रद्धा की तरफ कदम तो नहीं बढ़ा रहे हैं। इसको संतुलित करने के लिए प्रज्ञा है, वही हमने समझाने का प्रयास किया है। कोई और सज्जन हाथ उठाए हुए हैं? अमरपाली जी, आप तो प्लीज अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।
सर मेरा ये सवाल है कि जैसे मैं भी सूक्त का पठन करती हूँ और उसमें बहुत सारी सूक्तों में जो है वो देवताओं का जिक्र हुआ है, और ना इस जब मैं सूक्त ये पढ़ती हूँ और समझने की कोशिश करती हूँ तो मुझे एक चीज ऐसे समझ आती है कि ये देवता लोग भी जो है वो बुद्धिज्म को सीखने में लगे हुए हैं, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये देवता भी बोधिसत्व है या बोधिसत्व बनने के मार्ग पे है? ये मेरा तो, मतलब ये मेरा डाउट है, तो आप क्लियर करेंगे तो अच्छा। आपकी जो प्रज्ञा है बिल्कुल सही दिशा में सोच रही है, बिल्कुल सही दिशा में सोच रही है। और मैं उन सभी लोगों को कहता हूँ जिनको देवी देवताओं के ऊपर थोड़ा भी संदेह हो, यदि थोड़ा भी संदेह हो, मैं उनसे भी कहता हूँ कम से कम तीन देवियों को, देवताओं को तो आप मानिए ही मानिए। कौन से तीन देव? मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये जो हमारे दिवंगत जन होते हैं, क्योंकि हम आज जहाँ खड़े हैं ऐसे अचानक प्रस्फुटित नहीं हो गए हैं, हमारे पीछे हमारी वंशावली की एक अंतहीन परंपरा चली आ रही है। हमारे पिता हैं, पिता के पिता हैं, पिता के पिता हैं, ऐसे अंतहीन परंपरा चली आ रही है। हम उसके इस समय प्रकट एक प्रतीक है। हमारी इस संतति की श्रृंखला में कौन हमारा पूर्वज देव हो गया है, कौन हमारा पूर्वज किसी और योनि में चला गया है, किसी और लोक में चला गया है, और वो जो भगवान जानू शोण सुत्त है, जानू शोण सुत्त में वो जानू शोण नाम का आदमी ब्राह्मण वो जो है अपने पितरों का श्राद्ध कर रहा था। तो पितरों का श्राद्ध करते समय भगवान उसके सम्मुख पड़ गए, तो भगवान से पूछ बैठता कि भगवान ये जो हम पितरों को देते हैं खाना पानी ये सब कुछ देते हैं उनको मिलता भी है क्या? तो भगवान कहते हैं कुछ स्थानों पर मिलता है और कुछ स्थानों पर नहीं मिलता है, कुछ अस्थान है और कुछ स्थान है मिलता है। तो भगवान बताते हैं अस्थान की, मान लीजिए आपका कोई पूर्वज अपने किसी अकुशल कर्म के कारण कहीं पशु योनि में जन्म ले लिया है, तो यहाँ आपका खिलाया हुआ खाना उसको नहीं मिलने वाला, पशु योनि में जो भी खा रहा है पा रहा है। कोई आपका पूर्वज यदि नरक में चला गया है तो वहां भी उसको आपका दिया हुआ भोजन नहीं मिल रहा है। कोई आपका पूर्वज देव योनि में चला गया है तो वो देव लोक में आभास्वर देवों के बीच में वही भोजन कर रहा है, आपका भोजन उसको नहीं मिल रहा है। भगवान कहते हैं कुछ हमारे ऐसे पूर्वज होते हैं जो कि प्रेत योनि में चले जाते हैं, प्रेत योनि को वो आप जो सूत्र पढ़ेंगे ना जो राजा बिंबिसार के साथ, तो ऐसी योनि में जो हमारे चले जाते हैं उनको आपका भोजन अथवा पानी गंध रूप में मिलता है, आपका दिया हुआ दान उनको पुण्य रूप में मिलता है, उनकी वहां से उच्चतर गति होती है। तो वो जो एक बात कहता है जानुशोण कि भगवान ये क्या सुनिश्चित है कि हमारे पूर्वज चले गए होंगे प्रेत योनि में नरक में? जानुशोण सूत्र में भगवान क्या बोलते हैं पढ़िएगा, भगवान कहते हैं असंभव, ऐसी अंतहीन संतति श्रृंखला में कोई तुम्हारा पूर्वज नरक में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कोई तुम्हारा पूर्वज प्रेत लोक में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कोई तुम्हारा पूर्वज देव लोक में ना हो ऐसा हो नहीं सकता, भगवान कहते हैं असंभव। तो जो लोग देव देवताओं को नहीं मानते मैं उनको भी निवेदन करता हूं अपने पूर्वजों को ही देवी देवता के रूप में मानना चाहिए, और जब आप उनकी पूजा करते हैं उनके प्रति आप कुछ दान करते हैं उनके निमित्त से करते हैं तो वो भी आपको उलट कर अपनी संतति को आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए मंगल कामनाएं करते हैं और उनकी वृद्धि की कामना करते हैं, क्योंकि जिससे जिसको भोजन मिलता है वो हमेशा ही मंगल कामना करता है ये परिवार सुखी हो, संपन्न हो, समृद्ध हो और इसकी वंश संतति चलती रहे।
तो वो जो आप कह रहे हैं बहन कि वो भी बोधिसत्व के मार्ग पे चल रहे हैं और वो भी मार्ग पे लगे हुए हैं, तो उनके अंदर भी ऐसी कामना रहती है, उनको भी धम्म की जिज्ञासा रहती है। आपने महामंगल से तो सुना ही होगा, बहुदेवा मनुष्याचा मंगलानी चाहती हूँ तुम, कि बहुत से देवताओं ने विचार किया है और ये प्रश्न आके भगवान के सामने ये देवता ही करते हैं। हमें जो बौद्ध ग्रंथ सबसे बड़ा एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि हम जो देवी देवताओं के प्रति अत्यधिक श्रद्धा करते हैं और जिसके नाम पर हमारा शोषण होता रहा, वो देवी देवता भी बुद्धत्व के सामने कुछ नहीं होते हैं। वो देवी देवता भी बुद्ध की वंदना करते हैं, धम्म की वंदना करते हैं, संघ की वंदना करते हैं। कभी कभी किसी को मैंने देखा है, कई लोगों को, कि उनको बुद्ध धम्म की तरफ लाने का प्रयास करिए तो उनके मन में ऐसे भय बैठा होता है कि हम ये पूजा छोड़ के ये करने लगेंगे तो हमारे फलाने देवता जो 3 पीढ़ियों से हमारे घर में पूजे जा रहे हैं वो नाराज हो जाएंगे। कतई नाराज नहीं हो जाएंगे, वो और प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि उनको भी धम्म मिलने लगेगा, उनको भी त्रिरत्न मिलने लगेगा। ना केवल वो नाराज नहीं होंगे, प्रसन्न भी होंगे और आपको अधिक फल देंगे। तो ऐसे भाव से भी त्रिरत्नों के प्रति अपनी श्रद्धा को, स्वयं के मन को मोड़ना चाहिए, लोगों के मनों को भी मोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अनिल राही जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। मंदामी आचार्य जी, सर मेरे पास सूत निपात है, ये सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली की, सर डॉक्टर बिमल कीर्ति जी की। तो मैं इसमें मोर पठित पाठ पठित सूत्र ढूंढ रहा था, तो सर इसमें किस भाग में है, क्योंकि इसमें नाम आपने जो नाम लिखे हैं वो और इसमें कुछ अंतर है। ऐसा है कि ये जो पठित पाठ है ना जी, वो पठित पाठ के लगभग कुल मिलाकर 51 सूत्र हैं और 51 सूत्रों में सारे के सारे सूत्र एक ही जगह से नहीं लिए गए हैं। कुछ उसमें सूत्र पिटक में है तो सूत्र पिटक में भी कुछ दीर्घ निकाय से हैं, कुछ अंगितर निकाय से हैं, तो कुछ मध्यम निकाय से हैं, अलग अलग से लिए गए हैं। जैसे कि जो पंचवेखणा धम्मसूत्र, ये सारे सूत्र जो है अंगुत्तर निकाय से लिए गए हैं, और सामने पहिया द्वितीय सकार महामंगल सूत्र करणीय मित्ता रतन सूत्र निमित्ता निशंस मोर परित आलवक सूत्र, ये सारे सूत्र जो है खुदक निकाय से लिए गए हैं। तो आपके पास कौन सा ग्रंथ है मुझे पता नहीं है। सर मेरे पास, मैं वीडियो ऑन कर सकता हूँ सर? आप कर सकते हैं। वीडियो ऑन नहीं हो रहा है सर। तो कोई बात नहीं, ऑन मत करिए। हाँ, सूत निपात मेरे पास सर, त्रिपिटक ग्रंथावली सूत निपात मूल पाली पाठ सहित अनुवाद डॉक्टर विमल कीर्ति सम्यक प्रकाशन नई दिल्ली। हाँ, तो वो जो है मतलब संपूर्ण त्रिपिटक का एक छोटा सा ग्रंथ है, सूत्र निपात एक छोटा सा ग्रंथ है, वो सब मिला के तकरीबन 150 ग्रंथ होते हैं। उन 150 ग्रंथों में आपके पास एक ग्रंथ है। आपको ऐसी अभिरुचि है तो आप बेहतर हो बौद्ध आकर ग्रंथमाला, वाराणसी से प्रकाशित होती है बार बनारस से, तो वहां पर उनके मुकेश किसके ग्रंथ है वो अनुवाद किए हुए, मुझे स्वामी द्वारिकादास शास्त्री, द्वारिकादास शास्त्री के सर चंद्र कीर्ति और धम्म कीर्ति उनके दो बेटे हैं, अगर नहीं होगा तो हम नंबर इसमें शेयर कर देंगे, उनसे बात कर लेंगे। बहुत अच्छा रहेगा। तो द्वारिकादास शास्त्री ने बड़ा अच्छा काम किया है, काफी कुत्तों का अच्छा पाठ किया है, अनुवाद किया है, यद्यपि की महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने भी किया है और नालंदा विश्वविद्यालय के द्वारा भी किया गया है, मगर हिंदी भाषी लोगों के लिए ये सर्वोत्तम काम है और इसमें त्रुटियां भी कम है इसमें,
और जिन प्रकाशनों की आप बात कर रहे हैं उन्होंने संपूर्ण त्रिपिटक को नहीं प्रकाशित किया है। ये बौद्ध आकर ग्रंथमाला ने लगभग पूरा ही सुत्त पिटक प्रकाशित किया है और बहुत लगभग त्रुटि रहित है, तो अच्छा है आप उसको पढ़िएगा। पर ये मुकेश जी आपको बता रहे हैं कि हम उसको शेयर कर देंगे। हाँ मुकेश जी जी, मैंने तो सर सम्यक प्रकाशन का पूरा ये त्रिपिटक ग्रंथमाला मंगाई है, इसमें लगभग 27-28 बुक हैं, अंगुत्तर निकाय के 4 पार्ट हैं और सभी हैं सर इसमें। ठीक है, उसको देखिएगा, उसमें खुद्दक निकाय का होगा, तो ये जिस की मोह परित की बात हो रही है ये खुद्दक निकाय में है। हाँ जी, मोर परित पार्ट है खुद्दक निकाय में। जी जी जी, खुद्दक निकाय। बहुत बहुत साधुवाद अजय सर। एक और प्रश्न है क्या, हमारे पास समय समय है और थोड़ा? नहीं, वो तो प्रश्न पूछते जाइए तो प्रश्नों की श्रृंखला लगी रहती है, एक प्रश्न और ले लिया जाता है। सर ये आपका गला भी खराब है बहुत दिन से। हाँ, मैं आज दवा लेके आया हूँ, मैं चुप रहने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चुप रहना संभव नहीं हो पा रहा है। अरदास वली जी, आप अपना प्रश्न पूछिए, ये हमारा आखिरी प्रश्न होगा आज का। सर आप प्रश्न पूछिए, सर आप अनम्यूट है। नमोदय जय भीम सर। सर मैं भी सर जो क्वेश्चन अभी सर ने पूछा सेम ही पूछना चाह रहा था कि आप कौन सी पुस्तक है जिसके अंदर हिंदी और अनुवाद पाली सहित दोनों है, तो आप अगर हमें फोटो दिखा देते तो हमारे लिए सुविधा हो जाती। अरे एक पुस्तक नहीं है ना कि आपको फोटो दिखा दे, एक पुस्तक नहीं है। जी सर, तो बहुत सारी पुस्तकें हैं, बौद्ध भारती प्रकाशन है वाराणसी में, और मुकेश जी का नंबर आप ले लीजिए, मुकेश जी आपको जो है नोट करा देंगे। आभार सर। हाँ तो उनका नंबर ले लीजिएगा, 9891-92861 ये उनका नंबर है, उनको संपर्क कीजिएगा, वो आपको नोट करा देंगे। आभार सर। जी जी जी, धन्यवाद। लेकिन क्या है ना कि ज्यादातर प्रयास करिए अभ्यास करने का, नियमित अभ्यास, पढ़ने के साथ अभ्यास आपके दिनचर्या का अंग होना चाहिए। कम से कम 1 घंटा आपका ध्यान के ऊपर इन्वेस्ट होना चाहिए, निवेश होना चाहिए, सुबह भी शाम भी प्रयास ये करिए, आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये बुद्ध वचन है, बुद्ध वचनों को समझने के लिए देवी देवता भी भगवान के सामने हाथ जोड़ के जिज्ञासा करते हैं, तो हम लोगों की तो बहुत ही सरल सी सामान्य सी बुद्धि होती है, तो ध्यान करने से आपके अंदर थोड़ा प्रज्ञा बुद्धि का विकास होता है। बहुत बहुत साधुवाद सर आपका सर। तो अभी प्रश्न तो और भी दिख रहे हैं लेकिन अभी हम यहीं पे विराम देने की कोशिश करते हैं सर, अगले सत्र में फिर मिलेंगे। हमारा अगला इसी श्रृंखला में वो सब दिन के दिन जो हम व्याख्या सूत्रों का संगायन कर रहे हैं, तो हमारा अगला सत्र होगा 28 तारीख को, बिल्कुल अगले शुक्रवार को, तो उसकी जो लिंक है ग्रुप में डाल दी जाएगी जी। तो तब तक आप सभी लोग हमें विराम दीजिए और हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तो मुकेश जी आप खाली मंगल कामना कर दीजिए अगर कोई आते जी नहीं तो घंटे तो नहीं दिख रहे हैं सर, मैं देख मंगल रखंतु सब देवता, मैं देख रहा हूँ स्वावलंबी जी कुछ मैसेज लिख रहे हैं, स्वावलंबी जी बड़े नियमित हैं, और सभी लोगों को सूचना ये है कि जो भी समन्वय सेवा संस्थान से जुड़े हुए समन्वय परिवार के लोग हैं वो सब 5 तारीख को प्रतापगढ़ में समन्वय महोत्सव में अनिवार्य रूप से पहुंचने का प्रयास करिए। ये एक सालाना कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है, इसमें थाईलैंड से भंते फ्रास डॉक्टर चरण जो कि इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग के समय संघ नायक होते हैं, इंटरनेशनल संघ के वो संघ नायक होते हैं,
तो ऐसे दर्शन करना, ऐसे पांच भिक्षुओं का संग आमंत्रित है, इससे संबंधित एक पोस्ट अभी निमंत्रित करने से संबंधित आपको शेयर की जाएगी, लेकिन कम से कम समन्वय सेवा संस्थान के सभी मेंबरान का इसमें शामिल होना अनिवार्य है, प्रार्थनीय है, निवेदन है कि आप जरूर से जरूर पहुंचिए। वहां प्रतापगढ़ की यूनिट इस तैयारी में लगी हुई है बहुत जोर शोर से। कार्यक्रम का समय शायद राकेश जी जुड़े हुए तो बता दीजिएगा कितने बजे है। पुण्य अनुमोदन करते हैं सर। यस सर, प्लीज प्लीज सर। आज का परित पाठों की श्रृंखला में ये बहुत ही महत्वपूर्ण परित जो सबने संज्ञायन किया और सर ने बहुत ही विस्तार के साथ बड़े ही भावपूर्ण तरीके से और बहुत ही गहराई के साथ इनका व्याख्या किया, तो हम सभी लोग ऐसी गहन अभिप्सा करें कि सभी चक्र वालों के देवों को, सभी ब्रह्मा को, सभी ब्रह्मलोक के सभी प्राणियों को और जितने भी सत्ता हैं सभी को इस परित पाठ का आज लाभ मिले। आप सब लोग आंखें बंद करके दो मिनट अपने सांस पे देखते हुए, अपने सांस पे ध्यान रखते हुए इस मंगल कामना में शामिल होइए। सबे सु चक वाले सु यखा देवाच ब्राह्मणो यंगं मे हि कथं पुञ्यं सब संपत्ति साधकं सबे तं अनुमोदित्वा समग्रा शासने रता पमाद रहिता हन्तु आरक्षासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चय्यं समं ददामि कारितं अनुमोदन्तुं तं सबे मेदिनी ठातु शखिगे अनुमोदन्तुं तं सबे मेदिनी ठातु शखिगे भवतु सब मंगलं रखन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सब धम्मानुभावेन सब संघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। साधु 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 साधु। जी आज का सत्र समाप्त करने की अनुमति है सर। प्लीज प्लीज यस सर। यस सर, मिलते हैं सर इसी सत्र में 28 तारीख को। फिर आप